प्रभु गणेश जी को तो प्रभु श्री हरि नारायण के रथ पर भी अग्रस्थ स्थान प्राप्त था। अनूठा सौंदर्य और अनुपम आकर्षण है आपके सौंदर्य में देवी लक्ष्मी। परात आ गई और फिर प्रभु श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी का विवाह बड़ी धूमधाम से आरंभ हुआ और उस विवाह समारोह में कदाचित मेरे प्रभु गणेश जी सर्वाधिक आकर्षक प्रतीत हो रहे थे, इसलिए सभी का ध्यान मात्र मेरे प्रभु गणेश जी पर ही था। हाँ, किंतु पंच सुंदरियों का ध्यान तो कहीं और ही था। यहां से आगे की कथा मुझे ज्ञात है, जिससे आप दोनों अनभिज्ञ हैं। विवाह में तो कोई विघ्न नहीं आया, क्योंकि वहां विघ्नहर्ता गणेश जी उपस्थित थे। किंतु विवाह के उपरांत एक बड़ा विघ्न आने वाला था, जिसका बीज विवाह के समय ही रोपा गया था। और यह बीज बोने वाली और कोई नहीं, समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी के समान समुद्र से उत्पन्न होने वाली पंच सुंदरियां थी, अर्थात अन्य शब्दों में कहूं तो वो स्वयं देवी लक्ष्मी की बहनें ही थीं। अद्वितीय व्यक्तित्व और इनकी दिव्यता, इनका अद्भुत तेज, अत्यंत मनमोहक है इनका सुंदर रूप, हम तो इन पर ही मोहित हैं। मुझे इस कथा का ये भाग ज्ञात नहीं, किंतु मुझे तो है, और मैं आपको ये कथा सुनाने के लिए तत्पर भी हूँ। पंच सुंदरियां पूर्व में ही श्री हरि नारायण पे मोहित थीं, किंतु जब बारात का आगमन हुआ तो Thank you.
ये सौभाग्य देवी लक्ष्मी को नहीं हमें मिलना चाहिए था। अन्याय हुआ है हमारे साथ, कदाचित ये अपमान है हमारा। विशेष है इन देवी लक्ष्मी में जो श्री हरि नारायण उन्हें प्राप्त हो रहे हमें नहीं? कितना अद्भुत पल था वो जब प्रभु और माता पुनः लक्ष्मी नारायण रूप में एक साथ आए और वो पंच सुंदरियां उस अनूठे दृश्य को छोड़कर वहां से प्रस्थान कर गईं। ये तो अनुचित मोह और मात्सर्य का घातक संयोग था। वास्तव में यह संयोग तो सर्वाधिक घातक होता है गौरी पुत्र। यही सिख प्रदान करने के लिए तो प्रभु महादेव अपना अगला अवतार वृषभ अवतार लेने जा रहे थे। अर्थात प्रभु महादेव ने अपना अगला अवतार जगत को ये सीख देने के लिए लिया था कि जब मोह सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो वो मात्सर्य को जन्म देता है और मात्सर्य विनाश को। इसलिए उचित तो यही है कि मोह को उसके पूर्व ही त्याग दिया जाए। किंतु पंच सुंदरियां तो पूर्व में ही मोह से मात्सर्य को जन्म दे चुकी थी। श्री लक्ष्मी नारायण की जय। 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 श्री लक्ष्मी नारायण की जय।
पड़े। हम प्रण नहीं हैं। श्री हरि नारायण देवी लक्ष्मी को भूलकर हमारे हो जाएंगे। हम श्री हरि नारायण को विवश कर देंगे। हम श्री हरि नारायण को विवश कर देंगे। हम श्री हरि नारायण को विवश कर देंगे। लंकेश बताइए ना। गौरी पुत्र, एकमात्र तपस्या ही वो मार्ग है जिससे कोई भी सुफल, यहाँ तक कि स्वयं प्रभु को भी प्राप्त किया जा सकता है। हाँ लंकेश, किंतु वो तपस्या सत्य निष्ठा और निस्वार्थ भाव से की जानी चाहिए। अन्यथा तपस्या का फल तो अवश्य प्राप्त होता है, किंतु वो फल अनुकूल प्रतीत होते हुए भी प्रतिकूल ही प्रमाणित होता है। किंतु पंच सुंदरियों ने तो अपने मनोवांछित फल प्राप्त करने हेतु ऐसा कुछ किया जिसकी कल्पना करने तक का साहस जुटाना भी अत्यंत कठिन है।